अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमावेश और आप देख रहे हैं उमावेश टीचर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की न्यूज देने वाली हूँ। आपको मैं एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, जो कि है फाइनल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। 2021 के अंदर जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी 9th, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये अनाउंसमेंट की गई है 4 दिसंबर 2020 को। और या इस अनाउंसमेंट के अंदर एक गुड न्यूज शेयर की गई है, जो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। अनाउंसमेंट शेयर करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं बताती चलूं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए सॉफ्ट नोट्स की जरूरत है, या आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हासिल करना चाहते हैं, लेक्चर समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर कर रही हूँ, जो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से दिया गया है। 15 अक्टूबर 2020 को फेडरल बोर्ड ने अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिड्यूस सिलेबस इज ओनली फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स। जिसमें इन्होंने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में रीअपियर हो रहा है या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए रिड्यूस सिलेबस में से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, उसके लिए फुली सिलेबस इंक्लूड होगा। जबकि फ्रेंड्स, 4 दिसंबर 2020 को फेडरल बोर्ड ने एक मजीद अनाउंसमेंट की है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है दैट स्टूडेंट अपियरिंग इन एनुअल एग्जाम एट SSC एंड HSSC लेवल एज फ्रेश फेलियर इम्प्रूवमेंट और इन एडिशनल सब्जेक्ट विल बी एग्जामिन्ड इन रिड्यूस सिलेबस। यानी कि बोर्ड एग्जाम जो 2021 के अंदर होल्ड होने वाला है, उसके अंदर चाहे कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपियर हो रहा है, या कोई स्टूडेंट री अपियर हो रहा है, या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस सिलेबस में से ही एग्जाम लिया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स, ये गुड न्यूज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।